ये जो पीटीआई और इसके साथ ये जो जितने भी लोग हैं, ये जोकरों की हुकूमत है। आप सच कह रहे हो? ये जोकर लोग हैं, इनको मतलब जिस तरह से इन्होंने अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। एहकामात कोर्ट्स के, पहले सुप्रीम कोर्ट के, फिर अब लाहौर हाई कोर्ट के, तीन दफा इन्होंने जिस तरह हवा में उड़ाए, जिस तरह इन्होंने पाँव के नीचे आईन और कानून को कुचला, ये और उसके बाद अब भी बच्चों की तरह, बच्चे भी इस तरह नहीं करते कि अगर हमें नहीं मिला तो हम किसी को भी नहीं लेने देंगे। ये बात मुस्लिम लीग नून या हमजा शहबाज की नहीं है, ये पंजाब के अवाम का हक है। कुछ लोग की बुनियाद पर हमसे बातचीत कर लें, भले आपने इलेक्शन अभी नहीं कराने तो आप कुछ महीने बाद की डेट दे दें इलेक्शन की, लेकिन देयर बाय मीनिंग के अल्लाह का वास्ता हमें धरने से बचा लें। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने। मैं किसी धौंस और धांधली में और इस तरह के जो फितनाबाज हैं, इस तरह से जो जत्था लेकर आकर तो डिमांड्स रखने वाले, मैं उनकी किसी धमकी में नहीं आऊँगा। अब इन्होंने जो ऐलान किया है ये उसको पूरा करे। मैं इनके कहने पे इंतखाबात नहीं कराऊँगा, और इंतखाबात अब जब होंगे इंशाल्लाह ताला वो तब होंगे, अगर अब होने भी थे तो नहीं होंगे इंशाल्लाह, ये मुल्क आगे चलेगा। तो जब इनको ये जवाब मिला तो उसके बाद आज और कल इन्होंने फिर रबते किए गवर्नमेंट के साथ, हुकूमत के साथ, और इन्होंने कहा कि मिलके बैठें, आए बात करें, तो तुमसे ना हो पाएगा। फिर हुकूमत ने इनको कहा कि ठीक है आ जाएं। आज ये सुबह 10 बजे स्पीकर हाउस में आए, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब थे, जिसमें असद इधर आ सितमगर, तू हुनर आजमा, मैं तुम तीर आजमा, मैं जिगर आजमा।